नमस्कार प्रणाम, मैं खेसारी लाल यादव और आप सब देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। तो आप देखिए और ढेर सारा प्यार इस चैनल को दीजिए, क्योंकि आपके बिना हर वो जीवन अधूरा रहता है, हर वो चैनल अधूरा है। तो आपके प्यार की ज़रूरत है, तो इसको सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बिल्कुल सर, हमारे एक्टरों के अंदर प्रतिभा बहुत है, लेकिन यहाँ चीज़ें बहुत कम मिलती है जो सिलेक्टेड हो। सब लोग साउथ की तरफ भागते हैं, हमारी मिट्टी में इतनी, और हिंदी के लोग हमारे मिट्टी की चीज़ों को उठाते हैं और हम साउथ की चीज़ें उठाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ, इसलिए मैं अब बिल्कुल अपने आप को मेहंदी के बाद चेंज कर दिया है कि नहीं, अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहेगा। और मेरी कोशिश रहेगी जो मैं अपने भाषा, जितने दूर लोग हो रहे हैं अपने भाषा से, नए जनरेशन जो हर जगह अलग अलग चीज़ें देखना चाहती है, तो हमारी कोशिश है कि उसी को मॉडलाइज। और हमारे भोजपुरी में इतनी कहानियाँ हैं सर कि घर परिवार में ही 10-10 कहानियाँ बन सकती है। बिहार में प्रतिभा बहुत है, मैं क्या बोला आपके, जे अगर हम अपने बेटे को अगर डेली गलत बोलेंगे ना, तो आज हम बोल रहे हैं कल पूरी दुनिया बोलेगी। इतना नहीं है, हिंदी में भी चोली के पीछे गाया जाता है सर, चार बोतल वोडका पिया जाता है वहाँ भी। हनी सिंह का पहला जो इंट्रोडक्शन गाना था आपने भी सुना है, पंजाब तो बहुत बड़ा आज राज्य है, लेकिन वहाँ भी फुहड़ता है कि नहीं है। अगर वो फुहड़ गाते थे अगर हनी सिंह, तो उनको इतना बड़ा शोहरत क्यों दिया गया? हिंदी के लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए? हमारे मन में अश्लीलता है सर, कोई चीज़ों में अश्लीलता नहीं होती है। साथ में चलने वाली लड़की कोई ज़रूरी नहीं हमारी गर्लफ्रेंड है, हम उसको देख किस नज़रिए से, वो हमारी बहन भी हो सकती है। अगर हम नज़रिया बदल देंगे तो हमारी बहन भी होगी या हमारी फुआ होगी, लेकिन हमारी नज़रिया है कि नहीं वो गर्लफ्रेंड ही है या कोई आइटम का रूप दे देता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी सोच बदलेगी तो हर चीज़। और आज के डेट में ये सर बिल्कुल सोच कहीं ना कहीं इतना निगेटिविटी फैल गई है कि उसको सुधारने में टाइम और वक्त तो लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जाएगी। सर देखिए, इसमें बदलने के लिए खेसारी जिम्मेदार नहीं है और मैं नहीं बदल सकता, मेरे बस में नहीं है कि मैं बदल पाऊंगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ सर। आज बताइए, मैं अपना सीन करूंगा, अच्छा कर दूंगा, अश्लील नहीं डालूंगा। कॉमेडियन का सीन डायरेक्टर अश्लील डाल देगा, क्या करिएगा? मेरे पे जो गाने होंगे अश्लील नहीं होंगे, लेकिन एक कॉमेडियन पर अगर डायरेक्टर गाना अश्लील डाल देगा तो मैं उसमें कहाँ से दोषी हूँ? लेकिन वो नाम किसका बदनाम होगा? खेसारी का ही। जब मैं कहानी देखने जाऊँगा, ट्रायल देखने जाऊँगा, तो हो सकता है वो कॉमेडियन का गाना हट जाए और सिनेमा रिलीज हो तो वो जुड़ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो सबको ये मुहिम जो है ये सबको फॉलो करनी पड़ेगी, एक स्टार के फॉलो करने से नहीं होगा। हम बोल सकते हैं सर, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी कोशिश तो जारी है ना। लेकिन ऐसा कोशिश अगर हर व्यक्ति कर दे, अश्लील चीज़ें हैं सर, जिसको मटन खाना होता है वो मटन के दुकान पे जाता है, लेकिन जिसको दूध पीना होता है वो दूध के ही दुकान पे जाता है। लेकिन हमने बिहार में ये भी देखा है कि मास्टर के बच्चे में भी गंदे गाने बजते हैं जब उसके बेटे का बारात जाता है। तो जब एक मास्टर के बेटे के बारात में गंदे गाने बज रहे हैं और वो उसके पूरी फैमिली मजा ले रही है, तो आप किसको गंदा कहेंगे, उस गायक को या उस मास्टर को? तो सबसे बड़ी कि हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। दुनिया अपने आप बदल जाती है सर, आप रास्ते पे अच्छे चलेंगे ना तो दुनिया अपनी साइड लेकर जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं तो जाम लगाना होगा तो लगा दीजिए सर। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता नहीं होता है, मैं आपको आज बता देता हूँ। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता नहीं होता है, अश्लीलता एल्बम में होते हैं, क्योंकि एल्बम के लिए कोई सेंसर नहीं बना है, भोजपुरी सिनेमा के लिए सेंसर बना है। विदाउट सेंसर पास नहीं चीज़ें होती है। तो भोजपुरी सिनेमा में आज हमारे डायरेक्टर साहब ने यार के म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने बोला ना बातें कि सुहागरात हम जब मनाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन सुहागरात की बातें अगर हम कर दिए पर्दे पे तो गलत कैसे हो सकता है? हम उसको देखते किस नज़रिए से, हम पे इस पे फ़र्क पड़ता है। सब दुकान तो बहुत लगी है, अगरबत्ती की दुकान लगी, आप खरीदना क्या चाहते हैं आप पे भी निर्भर। सर कल से आप मटन खरीदना छोड़ दीजिए, दारू पीना बंद कर दीजिए, तो शायद दारू की दुकान तो ऐसे ही बंद हो जाएगी। जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो बंद हो जाएगी ना सर। तो हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। इस आप उसको गलत नहीं बोल सकते, वो अपने आप को ऊपर करने के लिए कुछ करेगा, उसको नाम कमाना है दुनिया में। वो गंदा गाएगा, अश्लील गाएगा या अच्छा गाएगा, चाहे जो भी करे, एवरीथिंग जो भी करे वो, लेकिन अगर हम उसको सुनना बंद कर देंगे तो शायद वो अच्छे गाने भी गाना शुरू कर देगा। तो जब कल से दूध बिकना शुरू हो जाएगा तो सर दूध की डेयरी ही खुलेगी ना हर जगह। जब दूध का सेल ज़्यादा हो जाएगा तो दूध की डेयरी खुलेगी ना, और जब मटन का सेल होगा तो किसका दुकान खुलेगा? दूध का कौन अपना बिजनेस मारना चाहेगा? हर आदमी को पेट चलाना है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है तो उसको इसने ये कर दिया,
अब जैसे आप उसका हेडलाइन चेंज करते हो कि इन्होंने ऐसे किया, तो दुनिया उसको सर्च करना शुरू करती है सर, और उसी में वो 50 मिलियन हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि उसको फुहड़ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर फुहड़ कोई गाना गाता है ना सर, तो मेरा कहने का मतलब कि आप हेडलाइन ये डालिए कि देखिए इन्होंने हनुमान चालीसा गाया है, उसको सर्च नहीं होगा। हाँ, अब जिस दिन से हनुमान चालीसा सर्च होना शुरू हो गया तो पूरी दुनिया हनुमान चालीसा गाना शुरू करेगी सर। मैं आज आपसे बोलता हूँ कि जब गलत चीज़ों के बढ़ावा हम खुद ही देते हैं तो हम किसी और को दोषी नहीं कर सकते, और ना ही हम बोल सकते हैं, हमें बोलने का कोई हक नहीं है। हमें सुनना बंद करना होगा पहले, गायक तो अपने आप बंद। अच्छा ये बताइए, सुनने वालों की संख्या कितनी है और गायकों की संख्या कितनी है? गायकों की संख्या ज़्यादा होगी तो 200, 400, 500, लेकिन सुनने वालों की संख्या तो 29 करोड़ है, 29 करोड़ है। तो ये बताइए कि 500 आदमी गलत कर रहा है कि वो 29 करोड़ जनता गलत कर। मेरा कहने का मतलब कि मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप, मेरी भी माँ बाप है, मेरे भी बहन है, मेरे भी बेटी है, सबकी अपनी अपनी एक संसार है। तो आप गंदे चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दीजिए, गंदा अपने आप बंद हो जाएगा, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम जिसके बारे में बोलना शुरू करते हैं ना सर, वो सबसे बड़ा स्टार होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ है, वो गंदा करे, बुरा करे, अच्छा करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लोग उसको बोलना जब चर्चा शुरू कर दीजिएगा तो खर्चा अपने आप बढ़ जाएगी। इन दिनों आपके दो सबसे अच्छे दोस्त झगड़ा कर रहे हैं, आप समझाते क्यों नहीं? सर मैं तो जानता ही नहीं क्यों क्या हो रहा है मार्केट में, क्योंकि मुझे दो चीज़ से बहुत प्यार है, अपने जनता से और अपने काम से। उसके अलावा मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि किससे क्या झगड़ा चल रहा है, क्योंकि मैं यूट्यूब सर्च ही नहीं करता, ना ही फेसबुक पे, सिर्फ लाइव आता हूँ कभी अपने पेज से, बाकी कोई मैटर पे नहीं। मैं उन गरीबों के बीच में उनकी गरीबों की तकलीफों जानते रहता हूँ, अपने लड़कों को छोड़ रखा हूँ कि कौन गरीब कहाँ प्रॉब्लम में है, कहाँ बाढ़ आई है, कहाँ कष्ट है, मैं उनमें अझुराया हुआ सर, उनमें व्यस्त हूँ और अपने काम को 24 घंटा एंजॉय करता हूँ, उससे ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करता। मैं उन करोड़ों जनता के चक्कर में रहता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं, किसी दो पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं। मेरी जनता मेरी भगवान है, मैं उस भगवान की बातें करूंगा, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए मैं चर्चा नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।